हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विनीत और आज मैं फिर से लाया हूँ एकदम लेटेस्ट ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि अभी अभी ही लॉन्च हुआ है इंडिया में। और ये सोलर कैमरा है। इस बार एक जो कैमरा लाया हूँ, अभी तक जितने भी कैमरा मैंने अनबॉक्सिंग किया है, रिव्यू किया है, उसमें सोलर कैमरा एक भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक सोलर कैमरा जो सबसे बेहतर है इस मार्केट में, मतलब इंडिया के मार्केट में सबसे बेहतर सोलर कैमरा है, सोचा कि पहला बार एक सोलर कैमरा का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लेके आया हूँ ये ब्रांड, अपना ब्रांड है इंडियन ब्रांड। मैंने सोचा कि अब इंडियन ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं, चाइनीज ब्रांड को काफी प्रमोट कर लिया, अब इंडियन ब्रांड को देखते हैं। तो यह अपना रियल टाइम 4G सोलर कैमरा, एक ऐसा सोलर कैमरा जो कि सही मायने में ड्यूरेबल है, रोबस्ट है, और सही में बिना किसी पावर का टेंशन, बिना नेटवर्क का टेंशन, इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड वगैरह का कोई टेंशन नहीं। बस कैमरे को पावर दे दिया, मतलब सोलर लगा दिया, सोलर से पावर दे दिया, बैटरी उसमें इनबिल्ट रहता है सोलर के साथ, और फिर नेटवर्क तो सिम आपको लगाना पड़ेगा 4G सिम। उसके बाद फिर रिलैक्स होकर आराम से आप कैमरे को यूज कर सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं, एकदम क्लियर व्यू भी आता है। साथ में वो सारा फंक्शन है जो होना चाहिए, मोशन सेंसर, AI, ह्यूमन डिटेक्शन, हर तरह का सेंसर से लेके लोडेड कैमरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अंधेरा हुआ था तो अंधेरा में भी आपको दिन की तरह एकदम क्वालिटी रहता है, एकदम दिन के ऐसा क्वालिटी रहता है, अंधेरा में क्वालिटी भी दिन होता है, और अंधेरा में भी वो सारा AI फीचर जो है वो अंधेरा में भी काम करता है। तो मैंने वीडियो क्वालिटी आपको बाहर में, जनरली ये कैमराज बाहर में ही लगते हैं, सोलर कैमरा घर में तो लोग लगाता नहीं है, मतलब घर के बाहर ही लगाते हैं, मैदान में या फिर खुले जगह पे। तो मैंने उसका कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग बना के आपके रेफरेंस के लिए इसका मैंने रखा, जो कि अभी आप वीडियो के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अनबॉक्सिंग करके इसका कि क्या क्या साथ में मिलता है, क्वालिटी कैसा है, कन्फिगर कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी काफी ज्यादा इजी है इस कैमरे का, बहुत ऐसा है कि कोई भी बच्चा भी इसे कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकता है, मतलब कोई भी आदमी, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या कोई आदमी हो जो कम भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो भी आदमी इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। तो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वालिटी है, काम कैसे करता है, और फिर देखेंगे अंतिम में कि क्वालिटी कैसा है इसका आउटडोर में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपना कैमरा, ये रहा पैकिंग, भी आप देख रहे हो काफी प्रोफेशनल है। सबसे पहले बता दूं, ब्रांड रियल टाइम का है ये कैमरा, ये है 4G PTZ कैमरा। PTZ का मतलब पैन टिल्ट जूम, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और जूम कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं पैन टिल्ट जूम कैमरा, PTZ कैमरा। तो सोलर PTZ मतलब अलग से पावर का कोई आवश्यकता नहीं है, सोलर प्लेट रहेगा, नीचे कैमरा माउंट होगा और आराम से आप कहीं भी देख सकते हैं, और साथ में पावर का कोई झंझट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो आवश्यकता नहीं है इसमें। दूसरा हो गया रियल टाइम कलर, आप फीचर्स देख रहे होंगे, रियल टाइम कलर का मतलब हो गया कि दिन में और रात में दोनों में ये कलर ही दिखाएगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाएगा। जो IR कैमरास होते हैं वो अंधेरा में कलर नहीं दिखाते, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, लेकिन ये अंधेरा में भी आपको कलर दिखाएगा। दूसरा, मेमोरी कार्ड जो सपोर्ट करता है, 256 GB का सपोर्ट है, जो कि अच्छा खासा मैक्सिमम सपोर्ट होता है ये। तीसरा, यहाँ रिजोल्यूशन जो इसका है 1920 से लेकर 1080p तक है, मतलब वही करीब करीब आप लेके चलिए कि आप इस रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर फेस और व्हीकल का नंबर वगैरह सब क्लियर दिखाई देगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना है। और रिजोल्यूशन में बात करें तो ये 4 MP का IP कैमरा है, IP नहीं लिखा हुआ लेकिन ये IP कैमरा ही होता है। फास्ट चार्जिंग का मतलब हुआ कि सोलर कम भी रहेगा सोलर पावर, तब भी ये तेजी में रिकॉर्ड करेगा, पावर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और बैकअप देगा उस हिसाब से ही। अल्ट्रा लो पावर स्टैंड बाई का मतलब काफी कम पावर भी रहेगा तो भी ये कैमरा चलेगा अच्छे से, ये नहीं होगा कि एक दिन का मान लीजिए कि सोलर अच्छा धूप रहता है तो आपको 4 दिन 5 दिन कैमरा जरूर चलेगा उसके बाद। तो बाकी फंक्शंस आप देख रहे होंगे 4G इनेबल्ड है ही, 4 MP ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, वही फीचर है। तो अब सीधे चलते हैं कैमरा पे, खोल के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर अपने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इस कैमरे की क्वालिटी चेक करेंगे, अंदर में भी और बाहर में भी। बाहर में कैसा क्वालिटी दिखता है ये ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सोलर कैमराज बाहर में ही लगते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल अपना इसमें है, मैनुअल का वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप वीडियो देख के आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैनुअल काफी आवश्यक है जब आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं हो जानने का, तो मैनुअल ही एक साधन है। तो सबसे ऊपर इसमें सोलर प्लेट आपका मिलता है, ये रहा सोलर प्लेट, और सोलर प्लेट भी कोई नॉर्मल नहीं है, काफी हेवी सोलर प्लेट है। कैमरा के ऊपर ये माउंट होता है पोल पे, और इसके बाद चार्जिंग चालू होता है, बैटरी ये रहा इसमें, बैटरी ही है इसका, अब बैटरी भी काफी हेवी है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, ये आप देख रहे होंगे सोलर प्लेट इसका है, ये बैटरी यहाँ पे रहता है, और ये माउंटिंग के लिए होता है, और ये पावर कनेक्शन के लिए होता है। तो इसे निकाल के रखते हैं यहाँ, पैकिंग में काफी ज्यादा हेवी पैकिंग देता है ये कैमरा,
कंपनी। ये कैमरा है अपना, और ये कुछ एसेसरीज है, जैसे कि ये देखिए, ये खोलने के लिए टेस्टर है, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रूज है, माउंटिंग के लिए है, और ये आपको साथ में एक डेटा केबल भी देता है। डेटा केबल देता है आपको कनेक्ट करने के लिए, सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप डेटा केबल। और इसके साथ और भी चीज मिलते हैं, जैसे कि ये एक चिमटा सिम पकड़ के अंदर डालने के लिए, और ये हो गया एलन की, ये लूज और टाइट करने के लिए, वैसे कैमरा को लूज और टाइट करने लिए। तो अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसे पावर से कनेक्ट करेंगे। ये रहा पावर, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, ये बस इसे इसमें हमें कनेक्ट कर देना है, और ये आ गया पावर कैमरे में। बस ये बस इतना सिंपल सा कनेक्शन है, पावर देना है, और साथ में यहाँ पर एक सिम स्लॉट है, Welcome and thanks for choosing camera. हमें Initializing सिम camera. Please wait. कैमरा चालू हो रहा है, तब तक हमें वेट करना होगा, ये बोल रहा है ये कैमरा। और सिम जो है सिंपल सा है, ये सिम को बस इसमें इंसर्ट कर देना है, ये सिम इंसर्ट हो गया है, और बस इसे लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद ये एक्चुअली होता है रेन प्रूफ के लिए, बारिश कितना भी हो कैमरा खराब नहीं हो, इसलिए ये होता है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले अपने ऐप पे जाना है, तो ऐप को सबसे पहले हमें ये रहा अपना ऐप रियल टाइम स्मार्ट। ये ऐप पहले भी आपने कभी देखा होगा, मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं रियल टाइम कंपनी के, तो ये ऐप मैंने हमेशा खोल के दिखाया है। कैसे इसमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने पर क्लिक करना है, आप अपना अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे, और आपने नहीं करा है तो आप इजिली अपना फोन नंबर या फिर मेल आईडी डाल के अकाउंट बना सकते हैं। SIM card is not detected. Please check if the SIM card is inserted correctly. ठीक है, सिम कार्ड चेक करने को बोल रहा है, तो हम चेक करते हैं सिम कार्ड कैसे लगा हुआ है। तो सिम कार्ड को करेक्टली लगाने के लिए हम इसके टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। Please follow the in-app instruction to add the camera to your account. तो सिम सही से लग चुका है, कैमरा ऑन लाइव है, कैमरा में से आवाज भी आ रहा है कि नेटवर्क इज डिटेक्टेड, नेटवर्क मतलब भी कनेक्ट हो गया 4G से। तो अब हमने डाला पहले ईमेल आईडी, फिर पड़ा पासवर्ड, फिर हम करेंगे लॉग इन। लॉग इन करने के बाद दिखा ठीक से, सबसे पहले अपना ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या, ऐड का यहाँ पे, और एक ऊपर में, तो ऊपर वाले ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये देखिए, और स्कैन के ऑप्शन पे जाना है। स्कैन के ऑप्शन पे जाएंगे और बस हो गया। अब यहाँ एक क्यूआर कोड है, दिखाना क्यूआर कोड, यहाँ इसको स्कैन कर लिया, और बस ये कैमरा कनेक्ट हो गया, कैमरा हमारा कनेक्ट हो गया, ये कनेक्टिंग लिख रहा है। बस अब ये बस 2 सेकेंड और लगेगा, सक्सेसफुली एडेड टू अकाउंट। ठीक है, क्या क्या लगा, यहाँ पर सिम लगा, सोलर प्लेट है, कैमरा है, और ये ऐड हो गया। अब ये हम ऐड करते हैं इसमें, ये देखिए कैमरा ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन होने के बाद ये रहा इसका टोटल कंट्रोल। डायरेक्शन में जाते हैं कैमरा को, तो लेफ्ट राइट जिधर चाहिए उधर घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कैमरा जिस डायरेक्शन में चाहे आप उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन मेन इसका वीडियो जो है मैंने अंदर के एरिया में जो है उतना फायदेमंद नहीं है, बाहर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बाहर में कैमरा लगेगा, तो आप देख पा रहे होंगे क्वालिटी। ये देखिए बाकी फंक्शंस इसमें वो सारे हैं जो स्मार्ट कैमराज में होते हैं। स्मार्ट कैमराज में मैनेज लाइट, ये लाइट वगैरह मैनेज करने के लिए है, और डायरेक्शंस के लिए ये हो गया, फीचर्स के लिए ये हो गया। फीचर्स में वही है, गैलरी वगैरह शो कर सकते हैं, प्लेबैक देख सकते हैं, नाइट मोड है इसमें, मोशन डिटेक्शन का मतलब ये हो गया, आपने खेत में या फिर लगा रखा है इसे, तालाब वगैरह में या फिर फार्म हाउस पे लगा रखा है, तो मोशन होता है तो आपको नोटिफिकेशन देता है, ये फंक्शन होता है इसमें। सब क्या साइरन, साइरन से ये हो गया कि मोशन होता है, आपने ऑन कर दिया साइरन तो ये साइरन देगा आपको। ये देखिए दिखाना कैमरे पे, दिखाना ये आवाज कैमरे से आ रहा है। अब देखिए हमने साइरन बंद कर दिया, ये साइरन आप दो एक यहां से भी चालू कर सकते हैं, और दूसरा कैमरा भी दिखाना, और दूसरा आप ये चालू कर सकते हैं, यहां से मोशन ऑन करेंगे PIR तो चालू हो जाएगा साइरन जब मूवमेंट होगा। तो सिम कार्ड वगैरह चेक करने के लिए फंक्शन है, मतलब वो सारा फंक्शन है जो स्मार्ट कैमराज में होते हैं। मैनेज स्मार्ट पे जाके आप और भी फंक्शन चेक कर सकते हैं, कैमरा चेंजेज, डायरेक्शन, मूवमेंट, ये सब सेट करने के लिए है।
और क्वालिटी जो है दो अलग अलग वेरियंट में दिखाता है आपको, HD और SD। तो जिस क्वालिटी में आप चाहते हैं देखना उस क्वालिटी में आप देख सकते हैं। और ये बोलने के लिए माइक है, हेलो क्लियर आपको सुनाई देता है, सुन पा रहे होंगे। और यहाँ से देखिए ये, हेलो हेलो, मतलब ये 2-way कैमरा है, आप बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा के देख सकते हैं, पावर का भी कोई झंझट नहीं, मतलब ये टोटल पैकेज है। और मैंने अभी तक 4G कैमरा इससे बेहतर प्राइस में और इस क्वालिटी में नहीं देखा है, किसी भी कंपनी में इंडिया में नहीं है, ये इंडियन मेड है, ये आप जान लो। और ये समझो कि क्वालिटी इससे बेहतर दूसरे कंपनीज में नहीं मिलनी है 4G कैमराज में, खास करके सोलर में। वैसे प्राइस इस कंपनी काफी अच्छी है बाकी दूसरे कंपनी से, लेकिन ये इस क्वालिटी में आपको दूसरे कंपनी में नहीं मिलना है। तो मेरे ख्याल से आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, क्वालिटी भी समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर करें, जिनको आवश्यकता है इस कैमरे की वो लिंक में क्लिक करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।